सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण को स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछ दिए जाते हैं। एसएससी ग्रेजुएट लेवल का ये क्वेश्चन है और आप इसको कैसे बना सकते हैं, मात्र चाहेंगे अगर प्रैक्टिस रहेगा तो 5 से 10 सेकेंड में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए, कैसे बनेगा वो देखिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आपको ये सोचना है कि ये सब जो अंक है नीचे हर है उसको लगातार गुना में सोचना है। लगातार गुना का मतलब ये होता है कि देखिए, अगर हम इस 9 का गुना करें लगातार से तो ये 9 किसी का भी लगातार गुना नहीं है, लेकिन ये 6 गुना है। किसका है? तो 2 × 3 का है। अगर 2 × 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 − 1/3। और अगर हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 से 6 को यानी कि 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बन जाए, 3 − 3 × 2 = 6 तो 3 में 2 जाएगा तो 1/6 बचेगा, तो वही 1/6 है। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं लगातार गुना में 1/2 − 1/3। लेकिन इस 9 का अगर हम नहीं कर पा रहे थे तो 1/9 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम समझ जाएंगे कि सारे इसी तरह से लिखाया जाएगा, ठीक। अब देखिए, अगर हम इसको लिखें प्लस देके 1/12 को +1/12 तो 3 और −1/4, फिर देखिए 20 है तो प्लस दे दीजिए 1/4 − 1/5, 4 × 5 = 20। अब देखिए 30 है तो प्लस दे दीजिए 1/5 − 1/6, फिर देखिए 42 है प्लस दे दीजिए 1/6 − 1/7, ठीक। फिर देखिए 56 है, 56 के लिए प्लस दे दीजिए और 1/7 और −1/8, ठीक है। और फिर 72 है प्लस दे दीजिए 1/8 − 1/9। ये आपका पूरा इसी को लिखे हैं दूसरे रूप में करके। अब यहाँ पे ये समझिए कि आपका देखिए ध्यान से जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/3 और 1/3 माइनस प्लस कट गया, ये 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 कट गया, और ध्यान से देखिए −1/9 और +1/9 ये भी तो कट गया, तो क्या बचा आपका 1/2 आंसर, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका यही है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है, सीपीओ 2003 का क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लेकिन आपको इसको बनाने के लिए मैं जो आपको रूल बताया उसी को फोकस कीजिएगा। आप सोचिएगा इस 30 को कैसे लिखूंगा मैं माइनस में करके, तो आप क्या कीजिए 1/5 − 1/6। अगर 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो 30 आता है, 5 को 30 से भाग देते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम आता है, तो 6 × 6 1 माइनस कर दीजिए, 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 5, तो 6 में 5 जाएगा, 1/30 ही बच रहा है, वही चीज़ बच रहा है। तो हम इसके लिए ये चीज़ लिख सकते हैं। आपको यही चीज़ सोचना है कि इसको लगातार गुना में हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए 42 है, अब एक बात और याद रखिएगा, ये जो 42 ये प्लस यहाँ का दे दीजिएगा और ये 42 है यही 6 से आगे बढ़ के 7 में जाएगा। देखिए 1/6 − 1/7, 42 का काम हो गया, 6 × 7 = 42। अब देखिए 56 है तो वही 7 से आगे बढ़िए, प्लस दे दीजिए 1/7 − 1/8, 7 × 8 = 56। अब देखिए 72 है, यही 8 से आगे बढ़िए, प्लस देखिए 1/8 − 1/9, 8 से आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखिए आगे फिर बढ़ना तो 9 से बढ़ेंगे तो 1/9, देखिए जिस तरह 8 था तो 8 लिए, 9 था तो 9 लिए, प्लस में लिए, अब −1/10, फिर प्लस देंगे। अब देखिए इस 10 से बढ़ना 1/10, ठीक है, अब −1/11, 11 × 10 = 10 से, ठीक, 110 है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, आप क्या कीजिए अब जो जो कट रहा है वो काट दीजिए और आंसर ले आइए। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, ये दोनों तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए 1/5 − 1/11 ये दोनों बच गया, आप इन दोनों को कर लीजिए 1/5 − 1/11, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 11 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 55, 5 से 55 को डिवाइड करेंगे तो 11 बार में 11 बन जाए 11, माइनस 11 को 55 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 बार में 5 टाइम्स तो 5। अब देखिए 11 में 5 जाएगा कितना बचेगा, 6, 6/55 आपका आंसर हो गया।
तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में वही चीज बोला गया है, ठीक है। जितना पिछला क्वेश्चन में आप लोग ने सॉल्व किया जिस तरह से मैंने आपको बताया, वही चीज को वो देखिए किस तरह से लिखा है। वो लिखा है 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे जो है ये सारे इंटू का काम कर रहा है, यानी कि तो देखिए दोस्तों ये सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये सवाल आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सोचना है कि 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर अगर है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसको इस रूप में लिखें कि 1/1 माइनस 1/4, तो क्या मेरा ये चीज़ आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, मैं आगे बता रहा हूँ कैसे। देखिए फिर प्लस दे दीजिए, इसका काम हो गया। अब इसका कीजिए प्लस देके, अब देखिए इस पार्ट को अगर करते हैं तो 1/4 माइनस 1/9, ठीक, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, 4×9 = 36 होता है, 4×9 = 36, 9 - 9 = 36, 4×9 = 5/2, 3×9 = 9, 9×36 = 5/36, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बन जाएगा आपको इस तरह से। अब देखिए इसका काम हो गया, अब इसका काम कीजिए। 7 है, 1 लिखिए बटा 9 लिखिए, अब माइनस लिखिए 1/16 लिखिए, ठीक। अब देखिए अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वही चीज़ आएगा। अगर आप करते हैं तो 7/3 का स्क्वायर अगर करते हैं 3×9 = 9×4 = 16, यानी कि 144 नीचे आएगा, 7/144 इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आएगा, ठीक है। तो हम आपको बताना यही चाह रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है और आप इसको आसानी से माइनस में कन्वर्ट करके इस तरह से इसको तोड़ के आप बना सकते हैं। अब देखिए अगर इसकी बात करें, आपने इसका तो कर लिया, यहां तक हो गया, अब इसकी बात करें तो इसको लिख सकते हैं प्लस 1/16 माइनस 1/25। ये 25 कहां से, 5 का स्क्वायर लिख रहे हैं और 4 का स्क्वायर लिख रहे हैं और माइनस में लिख रहे हैं, ताकि सारे क्वेश्चन पिछला जितना क्वेश्चन था उसी तरह से बनाए तो उसी तरह से इसको चलना है। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है प्लस 1/6 का स्क्वायर कितना होगा, 30। देखिए हमको काम किसका करना था, इसका करना, तो 1/5 का स्क्वायर 25 और माइनस हो जाएगा 1/36, ये मेरा हो जाएगा, इसका काम हो गया। अब ये वाला पार्ट का काम करना है, तो ध्यान से देखिए इसका कैसे करेंगे। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें प्लस देखिए 1/36 माइनस 1/49, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद ये तो हो गया मेरा, अब इस पर आ जाते हैं, इसका लिखते हैं प्लस, यहाँ से प्लस लिए 1/49 माइनस 1/64 प्लस 1/64 माइनस 1/91 फिर प्लस 1/81 यहाँ पे 81 होगा प्लस माइनस 1/100, ठीक। इतना करने के बाद आप क्या कीजिए, देखिए जब आप काम करेंगे ये सबका, तोड़ेंगे इसको तो इस तरह से टिक कर आउट करती है ताकि दोबारा नज़र उस पर ना पड़े, नहीं तो उसी पर नज़र पड़ेगा तो फिर एक बार उस मेहनत खत्म हो जाएगा आपका, गलत होने की संभावना होता है। अब देखिए सारे कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस में सारे, ठीक, ये कट जाएंगे। और देखिए क्या बचा, 1 - 1/100 बचा ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 99/100। अरे इसके नीचे एलसीएम ले लीजिए ऐसे करके, 100 तो 100 - 1 तो क्या हो जाएगा, 99/100। तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि एग्जाम लेवल का होता है। आप जैसा देख सकते हैं सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा ही हुआ ही रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। दोस्तों आज इतना ही, नेक्स्ट सेशन फिर मिलते हैं, गुड बाय।